सुबह यहाँ पर तमाम इलाकों से आए, कोई मेरठ से कुछ साथी आए, कुछ अलग अलग साथी अलग अलग इलाकों से आए, और आज हमने ये मांग रखी कि साथी चंद्रशेखर के खिलाफ जो रासुका लगाई गई है वो रासुका हटाई जाए। और उस मांग में एक संदेश बहुत साफ था कि ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार चलेगा या नागपुर के अनुसार चलेगा, क्योंकि संविधान के अनुसार चंद्रशेखर को बेल दे दी गई और नागपुरिया पुलिस ने उनके ऊपर NSA लगा दिया। तो आपको लगता है क्या केवल आज यहाँ आ जाने भर से भाई चंद्रशेखर के खिलाफ रासुका हटा दी जाएगी या कुछ इसके आगे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? लड़नी पड़ेगी, आगे लड़नी पड़ेगी। आप लोग जो भीम आर्मी का संगठन है, वो तमाम संगठन के लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय निकाय चुनाव चल रहे हैं। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे भाई साहब? चल रहे हैं। अरे भाई इधर वाले अगर बात नहीं सुनती है तो हम लोग से बात, अगर आप लोग सभा में शामिल नहीं हो। इस समय उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, भाजपा के उम्मीदवार गली गली उन्हीं मुसलमानों और दलितों से पहुंचकर वोट की भीख मांग रहे हैं जिनको आज से 15 दिन पहले वो लाठियों और डंडों से मार रहे थे। जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि एक ठकुराइन का जो है के बर्तन जो है छुल जाता है तो वो ठाकुर का लड़का और ठकुराइन मिलके मार डालती है औरत को। तो इस चुनाव में क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अलग अलग इलाकों में जाएं और दलित बस्तियों और मुस्लिम बस्तियों में अपील करें कि ये केसरिया आतंकवादी जब घुसे तो इनको बस्तियों से निकाल बाहर करें? ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि नहीं बनती है? तो इस पे कोई काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे जितने भी साथी हैं उनसे हमारी ये अपील है, इस समय चुनाव चल रहे हैं, 30 तारीख को मतदान है, उसके बाद दूसरे दौर का मतदान है, तो आप लोग दलित बस्तियों में मुस्लिम बस्तियों में जाइए और अपने साथियों से बताइए कि कितना हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जब चंद्रशेखर मेरठ में एडमिट थे तो मैं उनसे मिलने गया था, एक वो नौजवान जो देखने सुनने में मजबूत लगता था, दमदार लगता था, वो अपने पैरों में नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल पा रहा? वही पुलिस जिस पुलिस ने आपको यहाँ पर विरोध नहीं करने दिया, वही पुलिस उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है वो आप सब देख रहे हैं। तो केवल इस प्रदर्शन से हमको अपना ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारे कर्तव्य की तिरछी हो गई, हमने अपना काम कर लिया, हम दिल्ली आए और दिल्ली में हमने 4-6 नारे लगाए और नारे लगा के चले गए, बल्कि हमें इससे आगे सोचना चाहिए कि ये तमाम जो बातें करते हैं, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो इनको दलित बहुत प्यारे हो जाते हैं और चुनाव के बाद फिर कार्यक्रम दूसरा चालू हो जाता है, वो ऊना से लेकर बुलंदशहर तक चलता रहता है। तो कम से कम हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये सोच लें कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर, ये 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में 3-4 लोगों की टीम बनाएंगे। नौजवान जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, वो जाएंगे और जाने के बाद लोगों को जागरूक करेंगे और उनको कस्में खिलाएंगे कि इस दलित विरोधी पार्टी को हमें वोट नहीं देना। जब इनको चुनाव के समय आप चैलेंज करेंगे तब उनको असर पड़ेगा। आप नारे लगाते रहें और सब कुछ करते रहें, वो आपको पीटते रहेंगे और चुनाव के समय आपसे वोट मांगने के लिए, आपको हिंदू बनाने के लिए आ जाएंगे। तो आपको लोगों को जागरूक करना होगा, ये आंदोलन इस तरह आगे बढ़ाना होगा। केवल आज के प्रोग्राम से आपको ये नहीं समझना होगा कि आज हम चले गए, आज हमने यहाँ प्रोग्राम कर लिया, उसके बाद हमारे कर्तव्य पूरे हो गए और हमें से हट जाएंगे, ये इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। ये वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जिसके पुलिस वाले आपके लाठियाँ चलाते हैं, आपको एक जगह खड़े नहीं होने देते। आज से तकरीबन दीपावली के समय जो पुलिस वाले भाई साहब सुन रहे हैं वो भी सुन लें, दीपावली के समय RSS के लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर पास किया कि दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री नहीं होगी, तो दो घंटे तक संघ परिवार के लोगों ने पटाखे जलाकर वहां पर विरोध किया। वहां पर ये तमाम पुलिस वाले भाग कर सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? क्योंकि इनको आदेश नागपुर से प्राप्त हो रहे होते हैं। इनको कानून व्यवस्था की जो बात करते हैं, कानून व्यवस्था केवल जब दलित और मुस्लिम अपने अधिकारों की बात करता है तब इनको कानून व्यवस्था याद आती है। कानून व्यवस्था जब गरीब और शोषित लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं तब इनको कानून व्यवस्था याद आती है। जब जमीनों के बंटवारे के लिए फिर कोई संघर्ष करते हैं तब कानून व्यवस्था याद आती है। फिर उनके ऊपर NSA लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि 1 साल तक ये बाहर आएंगे तो समाज के लिए खतरा है।
तो हमको अपने समाज में जाकर लोगों को बताना पड़ेगा कि पुलिस ने अगर ये चार्जेस लगाए हुए हैं चंद्रशेखर के ऊपर कि ये बाहर आ जाएंगे तो समाज को खतरा है। तो समाज के लोगों को भी बताना पड़ेगा कि चंद्रशेखर वाकई में खतरा है या चंद्रशेखर वाकई अच्छा काम कर रहे थे या चंद्रशेखर जो है वो जेल में ही रहना चाहिए। तो हमको कम से कम ये आज सोच कर निकलना है कि हम चार चार पांच पांच लोगों की टीम बनाएंगे और अपने इलाकों में जाएंगे और ये संवाद करेंगे कि ये संघ परिवार के लोग जब वोट लेने आएंगे तो इनको अपनी बस्तियों में घुसने नहीं देना। तैयार है आप लोग? तैयार है। एक बार जोरदार आवाज से बताइए जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। ये संघर्ष जारी रहेगा। एक बार आप दिल्ली आए हैं, अगली बार हम लोग सहारनपुर पहुंचेंगे। हम लोग इस वादे के साथ आपसे ये कहां से खत्म करूंगा मैं अपनी बात कि आप लोग अगर एक बस लेके आए तो चार बस लेके हम लोग भी सहारनपुर पहुंचेंगे। लेकिन तब तक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी संघ परिवार के लोग जब आपकी बस्तियों में वोट लेने आए तो जब तक उनको दौड़ा के वापस नहीं भेजे तब तक हम लोग आपको अपना साथी नहीं मानेंगे। इस संघर्ष की लड़ाई है, यहाँ पर हमको जलना होगा, मरना होगा, खपना होगा। इतनी जल्दी से ये मनुवादी हमको अधिकार नहीं दे देंगे। जब आपको 2000 सालों से अधिकार नहीं मिले तो आपको अगर ये लगता है कि दो दिन चार दिन या दो चार महीनों की मेहनत से ये आपको बराबरी का समता का सम्मूलन का अधिकार दे देंगे तो क्या ये आपको लगता है ये अधिकार दे देंगे? लेकिन ये समय आपके लिए उपयुक्त है क्योंकि चुनाव के समय ये आएंगे एक एजेंडे के तहत आपके घरों पे आएंगे, आपके घरों में देवी माताओं के पोस्टर चिपकाएंगे, आपके आरती करेंगे और आपके तिलक लगाएंगे। तब आपको जवाब देना होगा ये तिलक नहीं, हमको न्याय चाहिए, हमको चंद्रशेखर को बाहर लाना है। तो इसी के साथ मैं आपसे इस वादे के साथ जा रहा हूँ कि आप लोग एक छोटी छोटी टोलियाँ बनाकर अपने इलाकों में काम करेंगे जब तक 30 नवम्बर तक लगातार 10-11 दिन यही काम करेंगे। उसके बाद जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे हम लोग पूरी ताकत से सहारनपुर में एक बड़ी जनसभा करेंगे। जय भीम साथियों।